तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरूटो के आने वाले बैड फ्यूचर के बारे में। और आसान शब्दों में कहे तो हम बोरूटो के आने वाले बैड फ्यूचर के बारे में आपको प्रूफ करने वाले हैं कि हाँ भाई, अब बोरूटो का बैड फ्यूचर नियर है। वैसे तो आप लोग थंबनेल एंड टाइटल देख के आए हो, तो फिर क्यों बता रहा हूँ मैं ये सब। तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो अगर नहीं किया है तो। 10K करवा दिया है हम आलू में भाई, फेस रिवील ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत करो। और 20K भी करवा दो जल्दी से भाई, मज़ा आ जाएगा। और अगले साल तक कितने करवा दोगे, 50K? अरे भाई भाई, तो हाँ अब चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है हमारे मोमोशिकी सेनपाई ने बोरूटो का बैड फ्यूचर देखा था और साफ साफ बताया था कि दोज ब्लूज आईज विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम यू, यानी कि तुम्हारी ये नीली आंखें तुमसे सब कुछ छीन लेगी। तो इन लाइंस का क्या रियल मीनिंग है, उसके बारे में तो इस वीडियो में बात नहीं करने वाला हूँ, उसके लिए कभी फ्यूचर में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं बात करने वाला हूँ कि जो ये लाइंस है ये सच में होने वाली है। यस, मुझे पता है आपको प्रूफ चाहिए। तो अगर आपको याद ना हो तो हमारे बोरूटो को एक चैप्टर 56 या फिर ऐसे ही कुछ में, मैं उसका अभी वो मतलब लगा देता पैनल, लेकिन कॉपीराइट इश्यूज के चलते नहीं लगा सकता, आई एम सॉरी, इस वीडियो पे पहले ही क्लेम आ गया था। तो उस चैप्टर में हमारे मोमोशिकी सेनपाई ने बोरूटो से कहा था कि तुम्हारा वक्त अभी नज़दीक नहीं है, अभी वो थोड़ा दूर है। और उसके कुछ चैप्टर बाद जब हमारा कावाकी वर्सेस ईसीगी वाला सीन चल रहा था, जिस चैप्टर में हमारा लवली कुरामा भी चल बसा था, उस चैप्टर के अंदर हमारा मोमोशिकी सेनपाई ने बोरूटो के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस किया था। यानी कि जब बोरूटो अपनी कॉन्शियसनेस को वापस से रिगेन कर रहा था, तब हमारे मोमोशिकी सेनपाई ने काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस किया था। और रेजिस्टेंस करना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस नहीं करता और मान लो बाई चांस वो उसके ऊपर वापस से टेक ओवर कर लेता, तो वो हमारे कावाकी को वहाँ से ले जा सकता था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चैप्टर रिलीज हुए हैं उसके अंदर साफ साफ देख सकते हैं कि मोमोशिकी हमारे बोरूटो को कुछ कह नहीं रहा है, मतलब जो हमारा बोरूटो कर रहा है वो उसे वो करने दे रहा है। आसान शब्दों में कहूँ तो हमारा मोमोशिकी सेनपाई बोरूटो को अब पुश नहीं कर रहा। चैप्टर 54 में हमने देखा था कि वो हमारे बोरूटो को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था, लेकिन अब वो बोरूटो को पुश नहीं कर रहा। बोरूटो ने अपनी कॉन्शियसनेस पे आराम से रिगेन कर लिया था। अब रीज़न ये है क्योंकि उसे पता है कि बोरूटो का बुरा वक्त अब आने वाला है, क्योंकि उसने देखा था हमारे बोरूटो का फेट, और शायद इसीलिए हमारा मोमोशिकी सेनपाई बोरूटो को उसकी मनमर्जी चलाने दे रहा है। और नाउ एक और रीजन जो कि इस चीज़ को प्रूफ करते हैं और एक और चीज़ प्रूफ कर देते हैं, वो क्या चीज़ है जो प्रूफ हो रही है वो तो आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना, लेकिन जो चीज़ फर्स्टली प्रूफ हो रही है वो है हमारे बोरूटो का आने वाला बुरा वक्त। तो चैप्टर 66 में हमने देखा था कि हमारा कावाकी जब बोरूटो को पूरा ख़त्म करने ही वाला था, तब हमारे नरूटो चचा ने उसे बचाया था, और नरूटो चचा ने जब उसे बचाया था तब उसने कावाकी के साथ बहस करी थी, और नरूटो ने कावाकी से कहा था तुम ये क्या कर रहे हो, और रिप्लाई में कावाकी ने क्या कहा, रिप्लाई में कावाकी ने कहा कि मैं वो कर रहा हूँ जो होना चाहिए। एंड नाउ यू विल थिंक डैट कि इसमें क्या गलत बात है यार, मतलब सही तो कह रहा है, नॉर्मल बात है ये तो। लेकिन जब हमारा उज़ुमाकी नरूटो, दाते भाई मैं बोलूंगा ही नहीं, शिट मैंने अभी बोल दिया। तो जब हमारा उज़ुमाकी नरूटो को आगे इसके साथ बात कर रहा था ऑनलाइन जूम मीटिंग पे, तो गारा ने कहा था कि तुम्हें बोरूटो को मार देना चाहिए और ऐसा सब स्टफ्स। लेकिन हमारे नरूटो ने रिप्लाई में क्या कहा, नरूटो ने रिप्लाई में कहा था मैं वो सब करूंगा जो होना चाहिए। एंड कावाकी ने अभी चैप्टर 66 में क्या कहा, मैं वो सब कर रहा हूँ जो होना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कावाकी हमारे नरूटो का काम कर रहा है एज अ बिग ब्रदर या फिर स्मॉल ब्रदर जो भी है, लेकिन एज अ ब्रदर जरूर कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था कि जब हमारा नरूटो बोरूटो को मारने ही वाला था तो उसको आ गया था पैनिक अटैक और वो ऐसा काम कर ही नहीं पाया था। लेकिन हमारा कावाकी जो कि एक बैड एज बंदा है, उसको इन सब बातों से कुछ मतलब नहीं है, वो हमारे नरूटो चचा के लिए उसकी जॉब कर रहा है, वो कर रहा है जो कि होना चाहिए। और जब ये सब चीज़ें चली ही रही है तो हमारे कागे वगैरह तो हमारे बोरूटो को वैसे ही हेट करेंगे, क्योंकि इतना खतरनाक मामला हो गया, तो इन सब की रिपोर्ट तो वो देगा ही, क्योंकि मुझे पता है वो जिंदा बच जाएगा भाई, मरना होता तो अभी तक मर जाता वो। और अब आते हैं वीडियो के सबसे मेन पार्ट पर, ये पार्ट मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सैड बातें हुई है। तो देखो, आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बोरूटो एंड सारादा को शिफ्ट करते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग बोरूटो एंड सिमिरे को भी शिफ्ट करते हैं, लेकिन आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग बोरूटो एंड एडा को भी शिफ्ट करते हैं। तो ठीक है, आपको मैं सच्चाई बता देता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारा बोरूटो सिंगल ही मरेगा तो ये सुनने में थोड़ा ऑनगार्ड सा साउंड कर रहा है, नहीं? लेकिन सुनो, भले ही बोरूटो अगर सारादा के साथ शादी कर लेगा और उनका जो बच्चा होगा, काफ़ी लोग कह रहे हैं वो गॉड लेवल पावर वाला बंदा बनेगा, नेक्स्ट एज ऑफ द सिक्स पाथ बनेगा, तो हाँ इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हमारा बोरूटो किसी के साथ भी शादी करता है और उसका बच्चा होता है, तो वो भी एज ऑफ द सिक्स पाथ से कम नहीं होगा, क्योंकि अब बोरूटो का शरीर बनने जा रहा है 100% ओत्सुत्सुकी, और शायद हमारा बोरूटो भी रहने का अनलॉक कर ले जैसे हागुरोमो ओत्सुत्सुकी ने किया था। लेकिन टाइम स्किप तक तो नहीं करेगा, क्योंकि उसने तब रहने का अनलॉक ही नहीं करा।
रेनेगन शायद बोरूटो ना अनलॉक करे, लेकिन जो बोरूटो का बच्चा होगा वो शायद से कर देगा। तो इसकी वजह से अगर हमारा बोरूटो किसी के साथ शिप हो भी जाता है तो उसका बच्चा शायद काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक होगा, या फिर इसकी एंडिंग ब्लीच की एंडिंग जैसी होगी। एंड में इचिगो का लड़का ही सारे काम सही करता है, तो इसमें भी ऐसा ही हो सकता है, एंड में बोरूटो का लड़का ही सारे काम सही करे। इससे हमारे किशिमोटो जी का सारुटो वाला सपना भी पूरा हो जाएगा और बोरूटो का मतलब काम भी हो जाएगा। काम से मेरा मतलब है भाई बोरूटो एनीमे एकदम अच्छे तरीके से खत्म होगा, कोई भी उसे बैड रिव्यूज नहीं देगा। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और 20K जल्दी से करवा देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, और सायोनारा।